बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि हनुमान कथा करने वाले अब बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में 17 मई तक चलने वाला है ये कार्यक्रम, और इसको लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज हो रखी है तो वहीं लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग काफी बेताब हो रहे हैं, दूर दूर से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से चलेगी ये कहा है, और कहा कि बिहार के लोग पिछड़े हुए नहीं बल्कि वो भक्ति से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को समझना है तो यहां पर कुछ समय गुजारना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बालाजी ने हमें ये शक्ति दी है ताकि हम भगवान संत को नहीं मानने वाले उन लोगों को, पाखंडी बताने वाले लोगों को एक करारा जवाब दे सके। तो 17 मई तक यहीं पर उनकी कथा चलेगी और लोगों में उत्साह है, साथ ही राजनीति भी काफी तेज हो रही है। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।